एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में जिसमें मैं आपसे अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा अबाउट हेयर फॉल, हेयर लॉस, रिसीडिंग हेयर लाइन एंड बाल्डनेस के बारे में। बाल्डनेस तो मुझसे हुआ नहीं था क्योंकि सही टाइम पे मैंने एक ट्रीटमेंट ले लिया था जिससे मेरे बाल झड़ना रुक गए और जो झड़ चुके थे काफी वापस आ गए एक हद तक। आपके साथ भी यही होगा अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देखोगे। तो बने रहो मेरे वीडियो पे ऑन माय चैनल जिसका नाम है धवल अरोरा। नहीं, आज मैं बात करने वाला हूँ एलोपैथी के बारे में। एलोपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत ही पॉपुलर है, आप लोग ले चुके होंगे या ले रहे होंगे या लेने की सोच रहे होंगे क्योंकि इनके बहुत डॉक्टर्स हैं जो पॉपुलर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिनको मैं अगर आपके सामने बताऊं तो बहुत से रीजन से बाल झड़ते हैं, जैसे डेफिशिएंसी हो गई किसी चीज की, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो मल्टीविटामिन दिया जाता है, प्रोटीन दिए जाते हैं। और अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है आपके आपके सर पे तो आपको पीआरपी दिया जाता है जिसमें आप ही के खून से WBC निकाला जाता है यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, फिर उसमें डाला जाता है सीरम, फिर एक सीरम, फिर वो आपके बालों में इंजेक्ट किया जाता है। और आगे होता है प्रो कैपिल फॉर नरिशमेंट, फिर आता है मिनोफिडिल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, आगे अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो फंगीजोल, कीटोजोल और इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो मेरे साथ केस नहीं था, मेरा केस था हेरिडिटरी हेयर फॉल का। तो क्या है ना कि मैंने जो वीडियो बनाया पिछले, अगर आपने नहीं देखे तो आप देखो क्योंकि मैंने उसमें बात किया है होम्योपैथी के ऊपर। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने लिया था 4 साल, आप मान लो 5 साल, क्योंकि मैंने जब ये दवाई स्टार्ट की थी एलोपैथी की तब भी मैं कहीं ना कहीं वो ले रहा था। तो बॉटल मैंने ली थी ना, इतनी सारी जो कलेक्शन था मेरा, ये जो जैसा कलेक्शन दिख रहा है आपको, खत्म करना था उसको। तो उससे तक कुछ रिजल्ट मिला नहीं, आई थॉट कि चलो ये ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है तो उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरी मॉम थी, वो जा रही थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, 2014 की बात है, बात करेंगे अगस्त अक्टूबर की। तो मैं भी चल गया साथ में, मैंने कहा मैं भी दिखाऊंगा अपने बालों को। तो अच्छे डॉक्टर थे, बहुत पॉपुलर थे, तो उन्होंने मेरे बालों को देख के बोला बेटा मल्टीविटामिन खानी है आपको, रोज ब्रेकफास्ट में खा लो, लंच में खा लो या सोने से पहले खा लो, और ये मिनोफिडिल आपको लगाना है, और आपको मिनोफिडिल 2 बार लगाना है, दैट इज सोने से पहले और नेक्स्ट डे नहाने के बाद, ओके 1 ml लगाना है, ऐसे ड्रॉप लेके मसाज करनी है और फिर छोड़ देना उसको, अब्सॉर्ब थोड़ा सा करवाना है आपको, आप भी लगाओ तो ऐसे ही लगाना है आपको। अगर आप चाहते हो मिनोफिडिल कैसे लगाते हैं सीखना है तो मैं वो बता दूंगा, अभी भी मिनोफिडिल रखा हुआ है। तो आगे की थोड़ी ये कहानी है, थोड़ा सा एक कॉमेडी होगी। मिनोफिडिल मैं पहले लगा चुका था, मेरे एक अंकल थे वो यूएस से आए थे, वो अपने लिए एक रोग इंटर डब्बा लेके आए थे, उनके भी बाल झड़ रहे थे, तो फोम वर्जन था। मैंने मुझे पता नहीं था क्या होता है, बट मुझे इतना पता था कि इसे बाल आते हैं, तो मैंने ना उनकी आधी बोतल लगा दी जैसे शेविंग फोम होता है, तो उसे बाल आ जाएंगे मेरे, वो महंगी थी। तो कन्फेशन था ये, बहुत समय हो चुका है इसलिए आई होप तो मुझे माफ कर देंगे अगर वीडियो देखेंगे तो। चलो वही था लड़का, किसने मेरी मिनोफिडिल की बोतल खत्म कर दी, ही वाज जस्ट वंडरिंग, वो मैं था। तो अब जो मुझे मिनोफिडिल दी गई थी वो था आपका लिक्विड वर्जन, आपको ड्रॉपर से ड्रॉप डालनी है। अब मेरी मॉम ने मेरे को दिलाने से मना कर दिया बिकॉज मैं कॉलेज में था, पेरेंट्स की पॉकेट मनी पर जिंदा था, तो मैं टेस्ट पॉकेट मनी से भी पैसे सेव कर लिया करता था। मल्टीविटामिन दिला दी क्योंकि मल्टीविटामिन अच्छी चीज़ होती है, जब पीछे कंटेंट देखे मेरी मॉम ने देखा अरे इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बायोटिन है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सी चीजें होती है, तो वो खुशी खुशी दिला दी। रही बात मिनोफिडिल की, ये क्या है मुझे नहीं पता, और ये बालों पे क्या करेगा, क्या साइड इफेक्ट है, पहले मैं पता करूंगी इससे सच में कुछ असर होता है कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, ये सब चीजें तुम्हारे जो अंकल थे वो सब लगाते थे, तो उनसे भी मैं पूछूंगी कि क्या ये सब चीजें हैं। पर मैं चुपके से ले आया पीछे से, उस समय मिनटॉप थी 750-700 रुपए की आती थी, तो वो मैंने लगाना स्टार्ट किया और डॉक्टर ने कहा था 1 महीने बाद बताओ कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने लगाया, 1 महीने बाद मैंने बताया। अब मैं बता दूं मिनोफिडिल जब लगाते हो ना तो क्या कैसा फील होता है, जिनको पता होगा उनको पता है, बट नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि बालों में लगाने के बाद में पहली बात तो टपकता है ऐसे, इसके हल्का हल्का लगाओ और ऐसे मसाज कर लो कि जरा टपके ना ऐसे यहाँ से बहके, फिर उसमें साथ में स्प्रे करने का भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, और जहाँ पे बाल झड़ रहे हैं उस एरिया में लगाना पड़ता है। उससे होता क्या है कि बालों की थिकनेस बढ़ जाती है, अगर मान लो कहीं थिनिंग हो रही हो तो,
और कहीं अगर रूट से डालोगे तो वो बाल आ जाते हैं, अगर रूट्स नहीं है तो वो बाल नहीं आएंगे, उसके बदले जो बाल आते हैं ना वो हाथ वाले बाल आते हैं, जो हाथ में आपके पाँव में पतले पतले बाल हैं जैसे खींच के निकल जाते हैं, वो भी खींचेगा ना वैक्सिंग करेगा निकल जाएगा तो वो टेम्पररी बाल होते हैं, ये थोड़ा डार्क फेज है तो आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के। तो हुआ क्या कि जब मुझे खुजली हुई, मिनोक्सिडिल लगाने से खुजली होती है, मिनोक्सिडिल लगाने से खुजली होती है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल देता हूँ कभी कभार, तो मुझे लगा अरे मेरे बाल आ रहे हैं, मैं खुश, मेरे कुछ बालों में हो रहा है, सर में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ क्रॉलिंग इफेक्ट आ रहा है, इचिंग हो रही है, ऐसे ही चलता रहा तो मतलब मेरे बाल अभी अगले हफ्ते आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ एक महीने तक लगाते रहा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा एक महीने और लगाओ कुछ नहीं हुआ, फिर एक महीने लगाओ कुछ नहीं हुआ, तब तक बीच में बताओ क्या हुआ, मेरी बाल सॉरी मेरी स्किन जो है ये जहाँ पे मेरे बाल नहीं थे वो सफेद होना स्टार्ट हो गए, और जहाँ मेरे बीच बीच में ऐसे लगा दिया करता था जहाँ पे मेरे बाल थे तो ऐसे करने पे डैंड्रफ झड़ने लगता था। अब होता क्या है ना कि वो स्किन शायद बहुत ड्राई हो जाती है उससे, जिससे फ्लेक्स निकलने लगते हैं स्किन में और आपको एक डैंड्रफ का इफेक्ट मिलता है बालों में। तो कभी आप मिनोक्सिडिल लगा रहे हो और डैंड्रफ नहीं है तो वो चीज़ आ सकती है, कभी किसी दोस्त को भगाना है ना तो उसके पास जाना और जो इरिटेट करता है उसके पास जाके ऐसे ऐसे कर देना, बोला ले डैंड्रफ बस आ जाएगा मग जाएगा भाई से दूर उसको डैंड्रफ है बिल्कुल भी हो जाएगा वैसे ऐसी सर होता है, नहीं होता बट फिर भी कुछ लोग बोलते थे स्कूल में मेरे, अरे दूर रहते मेरे को डैंड्रफ है तुझे भी तुझे भी हो जाएगा, मिथ है। तो अब क्या था कि डॉक्टर ने 3 महीने बाद मना कर दिया कि बेटा मत लगा मिनोक्सिडिल, देखो इसका असर नहीं हो रहा और ज्यादा लगाएगा तो नुकसान हो जाएगा। मैं निराश, मैं क्या करूं, मैंने 700 रुपए फूंक दिए, मेरे बाल नहीं आए, ऊपर से इतनी खुजली मेरे को हुई, मैंने खुजली बर्दाश्त की, स्कूल में मैं सॉरी कॉलेज में हूँ, मैं मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे को बाल खुजलाने का मन कर रहा है, मेरे को ऐसा मन करता था कि नाखून लेकर खूब खुजलाऊं करके, इतनी खुजली होती थी मेरे को और कुछ बाल नहीं आ रहे, बट इवन दो जो मेरे दूसरे बाल थे ना वो थोड़े घने होना स्टार्ट हो गए, जो पतले बाल थे वो मोटे हो गए, पर नए बाल नहीं आए। अब जो मेडिकल स्टोर वाला था जिससे मैंने मल्टीविटामिन ली, वो बोलता है क्यों आज मिनोक्सिडिल नहीं लोगे, मैंने कहा डॉक्टर ने मना कर दिया, कहते हैं अरे डॉक्टर ने जो मना कर दिया मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मेरी बात मानो तो ट्रस्ट करो तो मेरे और भी लोग हैं जो ये मिनोक्सिडिल लेने आते हैं, वो 6-9 महीने तक लगाते हैं तो रिजल्ट मिलता है। मैंने सोचा अच्छा ऐसा है क्या, मैंने घर में आया, मैं नेट पर सर्च करा, नेट पर सर्च करने के बाद देखा कि अरे ये तो लोग सालों सालों लगाते हैं, आप सर्च करोगे ना मिनोक्सिडिल बिफोर आफ्टर तो लिखा आएगा 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 1 year, 2 year, 3 year। तो मेरे को लगा यार ये इतना लंबा लगाना पड़ता है क्या, तब मेरी हालत होगी टाइट क्योंकि वैसे ही मेरी सेविंग माइनस में चल रही थी, मैं अपने पुराने सेविंग से पैसे खर्च कर रहा था और पैसे बच नहीं रहते मेरे पास में, मैं जो मेरे खर्चे वर्चे होते थे कैंटीन वैंटीन के फ्यूल के मैं उनको बचा के मिनोक्सिडिल लिया करता था। तो उस समय मैंने क्या किया कि मिनटॉक छोड़ा और मैंने रीगेन का 1-3 का डब्बा आता है 1500 का आता है, मैंने वो लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि 700 की 2 बॉटल 1400 की तो मुझे 1500 में 3 बॉटल मिल रही है। अब वही उसमें 30 ml आता था साथ में, वही स्प्रे करने वाला ड्रॉपर आता था, मैंने वो लगाना स्टार्ट किया, मैं 3 महीने लगाता था, 15-20 दिन गैप करता था, फिर लगाता था, फिर 15-20 दिन गैप करता था, तो वैसे ही चलता रहा। और 6 महीने में मुझे कुछ ना कुछ बाल दिखना चालू हो गए, मैं खुश हो गया, मेरे बाल आ रहे हैं। अब एक चीज़ मैंने जो नहीं की थी वो ये थी कि जो पैम्पलेट आता ना मिनोक्सिडिल के डब्बे में वो मैंने नहीं पढ़ा, वो मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था, उसमें प्रॉपर बताया गया कि ये कैसे काम करता है, इसके कंपोजिशन क्या है, इवन आप नेट पर सर्च करोगे तो उसका ओरिजिनेशन बता देगा कि पहले एक साइंटिस्ट ने ये कुछ बीपीपी के लिए बनाया था, पर इसका जो ओरल वोरल देते थे फिर कुछ लिक्विड बनाया क्रीम बनाई तो उस समय उससे बाल दिखे कि बाल आ रहे हैं, तो ये कमर्शलाइज हो गया, फार्मा कंपनी ने इसको एडवर्टाइज करना चालू कर दिया कि इससे बाल उगते हैं, जैसे मिनोक्सिडिल अपना चाल चलन में आ गया, प्राइस डिसाइड की और डिमांड बढ़ी तो और फार्मा कंपनीज आ गई, अब ये चलता रहा। अब हम मिनोक्सिडिल लगाते हैं, असर करती है किसी पे नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ योर हेयर लॉस एंड कंडीशन ऑफ करंट हेयर। सो जो मेरे बाल आए थे ना वो जो हाथ वाले बाल थे, मैंने एक दिन क्या किया कि पैम्पलेट पढ़ लिया, उसमें लिखा था कि जो आपके बाल आएंगे ना वो वेलस हेयर होता है और जो आपके बाल एक्चुअल सर में होते हैं वो टर्मिनल हेयर होते हैं, और वेलस हेयर टर्मिनल हेयर जब आसपास उगते हैं ना तो आपको एक घने बालों का इफेक्ट मिलता है, और जो आपके जो बाल आपका जो बाल एरिया है वहाँ पे वेलस हेयर ही आएंगे और आपके टर्मिनल हेयर के साथ में आपको कैमोफ्लाज देंगे, कैमोफ्लाज मतलब एक अपीयरेंस देंगे कि आपके
वो बाल हैं जो टर्मिनल हेयर हैं। तो मैं उस समय शॉक में आ गया और मैं सोचने लगा कि क्या ये जिंदगी भर ये चलता रहेगा मेरे साथ में। मैं 10 साल तक इसको लगा हूँ, 20-30 मतलब बुढ़ापे तक लगाता रहूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये अपने वेलनेस हेयर को कि क्या बोलूँ कि जो ग्रोथ मेरी हुई है उसको मुझे मेंटेन करना है, मुझे इसको कंटिन्यू रखना है। वो इतने कुछ अच्छे खासे बाल भी नहीं थे, वो धीरे धीरे हो गए थे रोल टाइप के, फिर आगे तक के थोड़े बड़े हो गए। मुझे देख के इतना मज़ा तो नहीं आया, पर मैं सोच रहा था कि मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, ये मिनोक्सिडिल का ट्रैप जिसमें कि अब मेरे को ज़िंदगी भर लगाते रहना पड़ेगा और मुझे पर मंथ ऐसे ही ये 3-3 की बोतल ला ला के मेरे को ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा। अब होता क्या ना कि कभी कभार आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट हो किसी चीज़ से, आपका मूड नहीं है अच्छा, कभी कुछ बुरा हो गया, साथ में आपकी खुजली भी हो रही है सर पे मिनोक्सिडिल के कारण, तो बहुत बुरा लगता है, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। यू नीड टू रिलैक्स, आप चाहते हो कि कभी गुस्सा आ रहा है मेरे को तो मैं आराम से बैठूं, मैं अपने के फेवरेट गाने सुनूं या सीरियल देखूं या सो जाऊं या मेडिटेट करूं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट उस समय अगर खुजली भी हो रही हो सर पे, वो भी ऐसी बहुत तेज खुजली की मैं नाखून से खुजला हूं, खुजलाने से रिलैक्सेशन तो मिलता है बट एक बात मतलब एक हद के बाद आप टाइम एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार मैं जिंदगी भर खुजलाते ही रहूँगा। यही मेरे दिमाग में आया था कि मैं यही करता रहूँगा कि मैं कभी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मेरे सर में डैंड्रफ है, मैं ऐसे ऐसे करूँ मेरे बाल ये फ्लेक्स मेरे गिरे। तो मैंने एक दूर की सोच मैंने देखी और मिनोक्सिडिल मैंने 5 साल लगाया 2014 से 2019 तक अपने इन वेलनेस हेयर को कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। बट एक सफ़ेद ऐसा आया कि मैं लगा लगा के थक गया, मेरे को एक इससे इरिटेशन होने लगा, एक उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी, नहीं अब मेरे को और मिनोक्सिडिल नहीं लगाना, बहुत हो गया इसका, बहुत हो गया, अब मैं पक चुका हूँ इससे, थक चुका हूँ, मैं भले गंजा हो जाऊँ आई विल एक्सेप्ट इट, बट अब मिनोक्सिडिल मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। जैसे आप कोई चीज़ आपको रोज़ खिलाई जाए और रोज़ खिलाई जाए, दिन भर रात भर हर बार वही खिलाई जाए, आप इरिटेट हो जाओगे, यार नहीं मेरे को अब ये नहीं खाना, मुझे कुछ चेंज चाहिए। तो सॉर्ट ऑफ ऐसी ही फीलिंग थी कि 2020 में जो मैंने मिनोक्सिडिल लिया था वो लगाना छोड़ दिया। मैं दिखाना चाहूँगा ये अभी भी भरा हुआ है, 2020 में लिया था, 2022 में एक्सपायरी है, तो छोड़ दिया था, ये सबूत है, सुना सकता हूँ उसकी आवाज सुन आ रही है तो, और माइक है, पानी नहीं है मिनोक्सिडिल ही है, लिखा दे रहा हूँ, बोतल की हालत बहुत गंदी हो चुकी है, ढह के निकल रहा है बाहर। इसका नाम है मोर एफ, सॉरी गाइस थोड़ा ये मैसी हो गया, अभी इसके ऊपर एक कैप आती है अंदर वो लगानी पड़ती है। तो अब क्या है ना कि यही था मतलब मेरा मिनोक्सिडिल का सफ़र। मैंने सोच लिया कि यार मेरा कॉलेज तो वैसे ख़त्म हो चुका है और मैं जॉब वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही ना पैसे वैसे सेव कर लूँगा और मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँगा फ्यूचर में, जिससे कि जो मेरे बाल रहेंगे ना वो परमानेंट रहेंगे। मैं दाढ़ी भी लगा लेता हूँ ना, दाढ़ी अच्छी हो जाएगी। इसे बियर्ड भी आती, पहली बात तो बताना चाहूँगा, हाथ में मेरे था अब। हाँ यही था कि सोचा पैसे बचाता रहूंगा मैं हर मंथ कुछ ना कुछ, और आगे जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लूंगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट वाले जो बाल होते हैं ना वो आपके 25 साल तक रहते हैं, उसकी जो लाइफ होती है ना 25 साल तक कहीं जाते नहीं है, और वो आपको बहुत अच्छा भरा पूरा इफेक्ट देते हैं और परमानेंट रहते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर, बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ऑल्सो ऑन द लोकेशन। अगर आप US में जाके कराते हो तो आप इंडियन हो तो भाई आपके तो मतलब पूरे आई डोंट नो आपकी क्या सेविंग है, बट अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे। आप टर्की चले जाओ, वहाँ भी पैसे खर्च हो जाएंगे, हर कंट्री में उनके हिसाब से, करेंसी के हिसाब से, मतलब वहाँ के इनकम के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं। उसके बाद कभी बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में। तो मैंने पैसे सेव करना स्टार्ट किए और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे बाल इतनी ईजीली झड़े नहीं, बट हल्के हल्के मेरे को दिखते रहे कि मेरे बाल रिसीड हो रहे हैं 2019 में। अब बात मैं करूँगा 2020 में, और 2020 में तो बात मैं करूँगा आपसे 2020 की, जब एक ऐसा फेज आया था कि कुछ ऐसी शॉकिंग घटना मेरी जिंदगी में हुई थी जिससे कि मेरे बाल टेलीविजन फेज में आ गए थे, गुच्छे गुच्छे में बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे, वो नाइट मेरा था मेरे लिए, मुझे लगा यार मेरा वक्त आ गया, मैं गंजा होने वाला हूँ। मैंने क्या किया, मैंने गलती तो नहीं की,
ये क्योंकि एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें लिखा था कि मिनोक्टल नहीं लगाने से बाल बहुत तेजी से जाते हैं, वो तो नहीं हो रहा। कई चीजें दिमाग में आती है अगर यू डोंट हैव एन एक्सपर्ट विद यू। सो तब मैंने दवाई लेना चालू की थी, एक इसके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फेज टू, जिससे मेरे बाल झड़ना रुक गए, बाल आ गए और इवन मिनोक्टल की जरूरत भी नहीं मुझको पड़ी। वो दवाई बहुत बदनाम है, इतनी बदनाम है कि ऐसा कहते हैं भाई जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाएगी वो दवाई लेने से, पर डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक इंडिया की टॉप डॉक्टर थी, मैंने उनको भी देखा, कहते हैं 36 साल के एक्सपीरियंस में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसको कोई साइड इफेक्ट हुआ हो। तो मुझे लगने लगा यार हाँ, ये भी हो सकता है कि 700 रुपये का मिनोक्सिडिल अगर ले लोग लेना बंद कर दें और ये दवाई खाना चालू कर दें तो वो उनकी जो वुमेन इनकम वो बंद हो जाएगी, इसलिए हो सकता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी करा दियो। सो वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन अदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, चैनल में बने रहना, मेरे साथ बने रहो, जुड़े रहो, वीडियो को लाइक करो और कोई भी क्वेश्चन हो ना कमेंट करो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। जो मेरे से बनेगा नहीं बनेगा तो आई विल जस्ट गेट समवन जिसको उसका आंसर पता हो। मेरे टच में हैं डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिटनेस एंथुजियास्ट जो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, मैं भी फिटनेस वाला बंदा हूँ, तो मैं जिम से ही आ रहा था अभी इसलिए ऐसा घटा था मेरा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए।